दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान गांव गोहंड में आपका स्वागत करता हूं। और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में चेकिंग चली हुई है। ये देखिए, ये भाई साहब जो हैं, इनकी जो नंबर प्लेट है विदाउट सिक्योरिटी प्लेट की नंबर है, और पीछे भी प्लेट पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लकड़ी भरी हुई है। ये गाड़ी देखिए, ये इन्होंने सीट बेल्ट दोनों ने लगा रखी है, शायद देख के भी बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हेलमेट का यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग कट, जहाँ से दिखता है कि यहाँ से बच के जाना है, वहाँ से भाग जाते हैं, कट देख के यहाँ से कट है तो भाग जाएंगे। और अभियान चालू है अभी तक, देख सकते हैं अभी तस्वीरों में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये देखिए, भाई साहब जो हैं बाइक पर आ रहे हैं और इनके पास हेलमेट नहीं है, बच्ची बैठा रखी है, साथ में लेडीज भी है, लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं है भाई हमारी जीवन में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और ज़िंदगी में अगर इसके जो बाइक है, इसके स्पेयर पार्ट बहुत बंदे आएंगे, 3-4 हज़ार रुपये में पूरी ठीक हो जा। लेकिन भाई ने हेलमेट लगा रखा है, इससे ही पूछेंगे भाई क्या बात, हेलमेट क्यों लगाया? जल्दी में रह गए, क्या नाम ले गए, दवाई लेने जा रहे थे तो इसलिए लगाया हेलमेट जल्दी में। क्या लेना है, डॉक्टर उठ जाता वहाँ पे और फिर दिक्कत बन जाती है अम्मी को। हेलमेट लगाने में बहुत टाइम थोड़े लगे भाई। नहीं, हेलमेट में लगाने के बता तो दिया, यो इसके वजह से रेन वो हो जाता है। चलो कोई बात नहीं भाई, ने दवाई लेने जाना था। और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सब ने देखेंगे, सबसे बात करी जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइक ना इतनी तेज़ी से पेल कर ले जाएं कि पूछो ना। ये देखिए भाई साहब जो हैं, इन्हें कानूनों का कोई पालन नहीं करना है, इन्हें कोई इतनी मतलब पता नहीं किस तरीके से इतनी छूट मिल रही है। भाई साहब भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, पूरी भर रखी गाड़ी, बिल्कुल ठुल भर रखी, सारे बैठे रखे, 1-2-3 हेलमेट भी लगा रखा, सिक्योरिटी प्लेट भी ले रहे, बताओ सेफ्टी तो आपकी है उसमें। भाई गलती क्या होगी सर? गलती होगी, रोज था इसलिए हेलमेट नहीं लगा पाया। बैन रोजे तो रोजा मना कराया क्या? नहीं, मना नहीं करता सर, पता क्या है, थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा जल्दी में था ना, तो मतलब सॉरी सर। जल्दी में सब जल्दी में, जितने लोग यहाँ पे जा रहे हैं, गलती देखो, ये भाई भी 3 बैठे हुए हैं, इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्या जल्दी रहे, क्या दिक्कत रहे, बाइक की तो बनेगी, कार का बनेगा, ट्रक का बनेगा, पता नहीं क्या क्या। ये देखो, देखते सीट बेल्ट, इन्हें तुरंत खोल दी सीट बेल्ट, एकदम वो खुल गई सीट बेल्ट, मतलब इन्हें भी जरा सी भी, इन्हें भी दिखाओ भाई थोड़ा सा, लोगों का जरा सी भी टेंशन है ही नहीं भाई। ये देखो ये भाई साहब, इन्हें हेलमेट के जा रहे, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, के हो जाएगा थरी गेल एक मिनट में, जरा सा लग जाओ फिर है डॉक्टर कर भाई, पता नहीं क्या इंतजाम भाई। गलती कर रहे हैं, 3 जने के बैठे थे भाई, 3 जने के बैठे सारे, सब बीमारी है, इतने लोग यहाँ जा रहे, दीदी गुप्ता के ताए सामने। अब बता रहे यार, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम अपराध कर रहे हो और तुम सही हो यार, हमें तुम ऐसी भाषा में मतलब बात कर रहे हो, कहीं गलत कर रहे हैं यहाँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं भाई, जान चली जाती है, सिर में चोट लगती है भाई, हेलमेट क्यों, मतलब हेलमेट लगाए, हेलमेट सीट बेल्ट 3 आदमी, ये तो बता रहे ना भाई, सीट बेल्ट जरूरी है, 3 आदमी बैठने नहीं है और हेलमेट जरूरी है। क्या कर रहे हैं भैया, 3 आदमी बैठे, इसका चालान कर रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, जब हॉस्पिटल में आए तो ये देख लो, कोई टेंशन नहीं है भाई, कद निमट जा आदमी, एक सेकंड में निमट जा, गब्बारा था बुलबुला था फूट जा। कहाँ था भाई, कहाँ से आए? एक है जी, कोराइड में से आए जी। अच्छा, तो हेलमेट सोचा के जरूरत है, लवे जाना आते हैं जी, यहाँ पे जाना है मैं स्टोर। क्या चू पीने आए होंगे जी? क्या चू पीने जाओगे जी? तो चाय पीने में तो हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती जी, लेकिन बस ये भाई जो है चाय पीने जाने गए भाई, बिस्कुट नमकीन के दरिया बाट देख रहे हैं, तो इन्हें चाय पीने की तावड़ दी, इसलिए हेलमेट नहीं लगाया इन्हें। ये देखो चाचा ने के तावड़ हो रही है, फुल स्पीड दे रखी, ना जूते पहन रहा ना हेलमेट लगा रहा। हेलमेट का क्या फायदा है? ये देखो हेलमेट भी ले रहे हैं, पर दिखाइए भाई हेलमेट, दिखाओ देखो हेलमेट बराबर में दे रखा हेलमेट लगाने से, तब चाचा की दिक्कत हो रही है हेलमेट पहन जी, सिर घूम रहा गर्मी में, गर्मी लग रही थी। अच्छा चलो भाई, गर्मी भी बेतुकी हो रही, जून का भिन्ना है, जेठ का भिन्ना पड़ रहा, जेठ की तो फहरी है, तो सिर घूम जाए चाचा का, सिर घूम गया, हेलमेट इसलिए लगाया चाचा ने। ये जो अंकल जी हैं बराबर वाले भाई, इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, देख लो, क्योंकि कई बार क्या रहे गाड़ी में बैठ गए तो पर थोड़ा सा हो जा, कई बार चाचा ने कि अपना, अब देखे बाहर आने गए भाई साहब जो है बात करेंगे कि क्या दिक्कत आई, सीट बेल्ट किस लिए लगाई, इसमें तो चक्कर भी ना आते, मैं तो चक्कर वाला भी टेंशन नहीं है, तो देखे भैया क्या कहेंगे, आ जाओ।
स्टोर लेके जा रहे हैं।